हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जामिनेशन में यहां से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इंक्लूड किया है। इससे पहले मैंने दो पार्ट करा था, उसमें सारा वन लाइनर क्वेश्चन को लिया था, लेकिन अब से जो भी वीडियो आप लोगों को मिलेंगे सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड मिलेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के दो पार्ट में मैंने 30 प्रश्न करा रखे थे, 15-15 करके, लेकिन अब से जो भी वीडियो आएगा सब में कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। 31st क्वेश्चन है, हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो देखिए, हीरा जो है यह कार्बन का अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। एक तो आपका आएगा हीरा, ठीक है, एक आएगा आपका ग्रेफाइट, ओके, याद रखेंगे, और एक आएगा आपका फुलेरीन, ठीक है। ये 3 कार्बन के अपरूप हैं, याद रखिएगा, जिसमें से ग्रेफाइट ऐसा है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा, और हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हीरा किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। आवर्त सारणी के प्रथम, द्वितीय, 14वें, 17वें और 18वें वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रथम वर्ग के तत्व को कहा जाता है क्षारीय धातु। क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। अब जब दूसरे वर्ग का तत्व बोलेगा तो देखिए, क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? क्षारीय मृदा धातु। फर्स्ट में याद रखिएगा सिर्फ क्षारीय धातु, दूसरा क्या हो जाएगा? क्षारीय मृदा धातु, ओके। 14वें की बात करें तो 14वें को बोला जाता है सिक्का धातु, याद रखिएगा, ठीक है। 17वें को क्या कहा जाता है? हैलोजन वर्ग कहा जाता है, ठीक है। और 18वें वर्ग को क्या कहा जाता है? शून्य वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य वर्ग कहा जाता है, या फिर निष्क्रिय वर्ग, नोबल वर्ग भी इसको कहा जाता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, क्षारीय मृदा धातु यह हो गया दूसरा का, नोबल वर्ग यह हो गया किसका? 18वां का, हेलोजन वर्ग यह हो गया 17वां का, और प्रथम का क्या हो जाएगा? प्रथम का हो जाएगा क्षारीय धातु। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें से है एक सूर्य का प्रकाश, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा होता है जल, ठीक है। इन 4 का होना चाहिए ताकि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सके। इनमें से अगर कोई एक भी पौधे को नहीं मिला तो फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी और पौधे अपना ग्लूकोज संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की ऐसी कोशिका है जो कभी विभाजित नहीं होती, और हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होता है वो तंत्रिका कोशिका का ही बना होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तो जब दो तंत्रिका कोशिका को लिया जाता है, दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो गैप बचता है, खाली स्थान बचता है, उसको बोलते हैं सिनेप्स या फिर सिनेप्टिक दरार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो देखिए, मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो कुल गुणसूत्र की संख्या होती है 46। और एक चीज़ याद रखिए, गुणसूत्र जो होता है हमेशा जोड़ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में जोड़ा का जिक्र नहीं किया गया है, अगर जोड़ा का जिक्र किया जाता तो आंसर होता 23, लेकिन यहाँ पर कुल गुणसूत्र की संख्या का बात किया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? 46, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो मेल का जो गुणसूत्रीय संगठन होता है वो होता है 22+XY, ये मेल का, मनुष्य में। फीमेल की बात करेंगे तो 22+XX, ठीक है। ये जो 22 होता है ये मेल और फीमेल दोनों में समान होता है, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, और इसके द्वारा शारीरिक संरचना तैयार होता है। 23वां जोड़ा जो है XY और XX, ये क्या करता है? लिंग निर्धारण करता है, यानी कि आने वाला संतति मेल होगा या फीमेल होगा उसके निर्धारण के लिए किया जाता है। और किसी भी शिशु का जो लिंग निर्धारण होता है वह पिता पक्ष के द्वारा होता है, क्योंकि माता पक्ष में तो XX दोनों बराबर ही है, माता पक्ष में क्या है? XX दोनों बराबर है, लेकिन पिता पक्ष से क्या होता है? विषम युग्मक होता है X और Y। अगर X मिलता है तो फीमेल जन्म लेगा, और यदि Y मिलता है तो फिर। नेक्स्ट है, ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो यदि आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो उसमें कहा गया है कि
अगर किसी भी चालक के भौतिक अवस्था खास करके ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो उसमें क्या कहा गया था, टेम्परेचर जो है अगर इसको हम नहीं चेंज करें तब वैसा होगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर का मान क्या होता है, अचड़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वाट, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर किलोवाट घंटा किसका हो जाएगा, व्यावसायिक ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, याद रखिएगा व्यावसायिक ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। एम्पियर हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ओम हो जाएगा किसका, रेसिस्टेंस का। तीनों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी की बात करें तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि दीर्घतम दूरी की बात करेंगे तो अनंत, यानी कि हम लोग कम से कम 25 सेंटीमीटर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और अधिकतम अनंत रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी की बात की गई थी, 25 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बायोगैस या गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है। ठीक है, याद रखिएगा बायोगैस और गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीथेन। फार्मूला होता है CH4, क्या हो जाएगा फार्मूला, CH4 इसका फार्मूला होता है। और याद रखिएगा मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मार्स गैस या फिर कीचड़ गैस भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब अगर बात कर लें ब्यूटेन और प्रोपेन का, तो ये जो ब्यूटेन और प्रोपेन है ये आपका LPG में देखने को मिलता है। किसमें, LPG, जो हमारे घरों में प्रयोग किए जाती है रसोइयों के रूप में, रसोई बनाने के रूप में, तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का यूज किया जाता है। तो याद रहेगा मीथेन का प्रयोग गोबर गैस में किया जाता है, बायोगैस में किया जाता है, और एक साथ CNG में भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे घरों में जो खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है गैस, उसमें कौन सा होता है, LPG, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और उसमें किस गैस की प्रधानता होती है, तो ब्यूटेन की और प्रोपेन की। हीलियम कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने पीरियोडिक टेबल का पिक लगा रखा है। तो हीलियम जो है वह एक प्रकार का निष्क्रिय गैस होता है, निष्क्रिय गैस क्योंकि यह जो है किसी भी अन्य एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में कोई शेष इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं। तो इसके अगर हम बात करें इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा जितने भी निष्क्रिय गैस होते हैं, नोबल गैस होते हैं, उन सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिवाय हीलियम के। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वह 2 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो सभी नोबेल गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, खास करके छोड़ करके किसको, हीलियम को अगर हम छोड़ दें तो हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए निष्क्रिय गैस हो जाता है, नोबेल गैस हो जाता है, और शून्य गैस हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त हैं। तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस कराया था। तो वर्ग की बात करें तो आवर्त सारणी में जो उदग्र लाइन होता है इसको वर्ग कहा जाता है, और इस उदग्र लाइन की संख्या कितनी होती है, 18, और जो क्षैतिज लाइन होती है इन्हें क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, और इसकी संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7, और आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि 7 हो गया आपका आवर्त। ठीक है, 7 क्या हो गया, आवर्त, और 18 हो जाएगा वर्ग। थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन सेट करने में मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट है OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है। तो देखिए OH का क्रियाशील मूलक क्या है, अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल हो जाएगा इसका आंसर। एल्डिहाइड का क्या होता है, एल्डिहाइड का होता है CHO, क्या होता है, CHO। कीटोन का क्या होता है, CO, और कार्बोक्सिलिक का क्या होता है, COOH। ठीक है, और OH किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड का, सॉरी अल्कोहल का। नेक्स्ट है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो देखिए प्रकृति में अगर ऑक्सीजन के संतुलन की बात करें तो ऑक्सीजन का संतुलन बन रहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रेगुलर एक्सचेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो देखिए सभी जीवों के हृदय में कोष्ठों की संख्या अलग अलग होती है, मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और हृदय का काम क्या है, ब्लड पर प्रेशर डालना, ब्लड पर प्रेशर डाल करके सभी भागों में सेंड करना, सभी भागों तक पहुँचाना। वैसे तो दिल तो बदनामी है। हाइड्रा तथा यीस्ट में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है। तो देखिए हाइड्रा और यीस्ट की बात करें तो इसमें प्रजनन की मुकुलन विधि पाई जाती है, कौन सी, मुकुलन विधि, यानी कि बडिंग। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में भी डिस्कस कराया था, आपको यदि डिटेल जानना है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण उपयोग किया जाता है वो होता है अवतल। ठीक है, क्योंकि यह किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और चूंकि हमें दाढ़ी बनाने के लिए चेहरा बड़ा करके देखना होता है ताकि एक भी दाढ़ी छूटे ना, तो इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और ENT में भी हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, गाड़ी के सर्च लाइट में भी हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अगला है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो देखिए
झुकाव की जब भी बात आएगा तो याद रखिएगा जिसका शक्ति कम होगा उसका झुकाव सबसे अधिक होगा। स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें जो जाता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में टूटने के बाद सबसे ऊपर रेड आता है और सबसे नीचे कौन सा आता है, बैंगनी आता है यानी कि वायलेट आता है। ठीक है, तो बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है जिसके कारण इसका झुकाव सबसे ज़्यादा होता है, और लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है इसलिए इसका झुकाव कम होता है। एक ट्रिक याद रखिएगा, लाल का सिर्फ तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, बाद में कुछ भी पूछ ले तो इसका आंसर क्या करना है, कम करना है। ठीक है, यानी झुकाव कम होगा, अपवर्तनांक भी कम होगा। ठीक है, और अगर बैंगनी का पूछेगा तो याद रखिए बैंगनी का सिर्फ और सिर्फ तरंग दैर्घ्य कम होता है, बाद में सब चीज़ सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा विद्युत फ्यूज जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तो विद्युत फ्यूज सीसा और टीन का बना हुआ एक धातु है। ठीक है, यानी कि स्टेनम और प्लम्बम का बना हुआ एक मिश्र धातु होता है जो घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाई जाती है। ठीक है, तो ये किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव पर। अगला है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। संकेत होता है इसका ए। ठीक है, वोल्ट किसका है? तो वोल्ट हो जाएगा किसका, विभव या फिर विभवांतर का। ओम किसका हो जाएगा, रेसिस्टेंस का। और वाट किसका हो जाएगा, विद्युत शक्ति का। किलोवाट घंटा किसका हो जाएगा, तो किलोवाट घंटा हो जाएगा आपका व्यावसायिक ऊर्जा का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है। यानी कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें आर दे दिया गया है, त्रिज्या दे दिया गया है, रेडियस दे दिया गया है ना, तो क्या है त्रिज्या का वैल्यू कितना है, 20 है। तो एफ इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 डिवाइड कीजिएगा तो कितना निकल करके आएगा, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। वैसे न्यूमेरिकल के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, मैं किसी दिन न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो स्पेशल लेकर के आऊँगा और उसमें जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सारे आपका कंप्लीट करवा दूंगा। अगला है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? तो देखिए पाइरूवेट का विखंडन से जो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है तो ये जो प्रक्रिया होती है कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, एनर्जी हाउस भी कहा जाता है, या फिर बिजली घर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी पिंड का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हैं तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? ठीक है, तो याद रखिएगा चाहे उत्तल लेंस कहे, उत्तल दर्पण कहे, या अवतल दर्पण कहे, या अवतल लेंस कहे, अगर प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करना है तो उसे हमेशा और हमेशा कहाँ रखेंगे, वक्रता के अंदर। यदि प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज हमें इक्वल रखना है तो वस्तु को चाहे दर्पण कोई भी कहे या लेंस कोई भी कहे, हमेशा और हमेशा कहाँ रखेंगे, वक्रता के अंदर पर ही रखेंगे। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए जनरेटर के द्वारा हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर सकते हैं, एसी करंट इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि जनित्र इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लघु पथन को मैंने पहले वीडियो में अच्छे से समझाया, आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए लघु पथन के समय क्या होता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, इसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो देखिए सहसंयोजक बंध के लिए आपको पहले तो संरचना बनाना होगा। ठीक है, तो अगर हम इथेन की संरचना सूत्र तैयार करें तो कुछ इस तरीके से तैयार होता है। ठीक है, और यहाँ पर सभी जगह क्या लगता है, हाइड्रोजन लगता है। तो इसमें अगर हम सहसंयोजक बंध की बात करें तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू कीजिएगा। एक तो ये हो जाएगा बंध, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बीच में 7, तो 7 सहसंयोजक बंध बनाते हैं, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन का केमिकल फार्मूला होता है O3, यानी इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओजोन को याद रखिएगा, ओजोन जो है सूर्य से आने वाले यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, और ओजोन परत जो होता है उसमें कमी आती जा रही है, यानी ओजोन छिद्र का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो हमारे द्वारा उत्पादित जितने भी फ्रेयन गैस जिस भी मशीन से निकलता है वो सारा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेयन गैस आपके एग्जामिनेशन में बहुत कम देखने को मिलता है, आपके एग्जामिनेशन में CFC देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी CFC जो है यह ओजोन परत में ह्रास का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, परागण किस में होता है? परागकण।
तो याद रखिएगा परागकण जो होता है वह पराग कोश में पाया जाता है। बाद में कि दलपुंज जो होता है पुष्प जो होता है उसका बाहरी पार्ट होता है और वर्तिकाग्र और स्त्रीकेसर जो है फीमेल पार्ट है। तो परागकण किस में होता है? पराग कोश में होता है। और परागकण जो होता है यह पौधे का मेल पार्ट होता है या मेल गैमेट होता है। नेक्स्ट है विकास की दृष्टि से हमारे हमारे किससे अधिक समानता है? तो याद रखिएगा विकास की दृष्टि से जो हमारी अधिकतर समानता है वह चीन के विद्यार्थियों से। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता जो होता है वह फोकस दूरी का व्युतक्रम होता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। किलो वाट घंटा किसका हो जाएगा? व्यावसायिक ऊर्जा का। जूल हो जाएगा उष्मा ऊर्जा का, ठीक है, और वाट हो जाएगा शक्ति का। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्र क्या है? मैंने अभी जस्ट बताया किलो वाट घंटा, डायोप्टर हो जाएगा किसका, अभी मैंने तुरंत बताया पिछले वीडियो पिछला क्वेश्चन में। तो विद्युत ऊर्जा डायोप्टर किसका हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक, किलो वाट घंटा विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक, जूल हो जाएगा उसमें ऊर्जा का, और वाट हो जाएगा शक्ति का। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी इसका लाभ उठा पाए। मिलते हैं चौथा पार्ट लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।